यहीं से शुरुआत करने वाले हैं लेसन नंबर 14 में, ओजोन परत या ओजोन लेयर। देखो हमारे आकाश में आप जब जाएंगे तो उस आकाश में एक आकाश में जब जाएंगे तो समताप मंडल में, कहाँ समताप मंडल, समताप मंडल की मैं बात कर रहा हूँ। उस समताप मंडल में ऑक्सीजन का 3 परमाणु मिल करके ओजोन का निर्माण करता है। ये ओजोन परत जो होता है उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु जब मिलते हैं तब ये बनता है। और ओजोन परत जो होता है वह इसका बहुत उपयोग है, आप जानते भी होंगे। यही ओजोन, नमस्ते, ओजोन परत है, ये ओजोन परत है, समताप मंडल में बनता है, ठीक है। अब ये ओजोन परत का वर्क क्या है, ये क्यों बना है और ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? तो देखो बाबू, जब कोई आपसे पूछे कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, तो जब बात ओजोन परत के निर्माण की होगी तो आप इसमें कहेंगे कि जब ऑक्सीजन पर, किस पर, ऑक्सीजन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है, सूर्य की पराबैंगनी, लेकिन इसको बनने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, माने बहुत अधिक ऊष्मा, यहाँ 300, इसको ऑक्सीजन कहते हैं। कि जब ऑक्सीजन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो ये ओजोन में बदल जाता है। ये क्या होता है, ओजोन में बदल जाता है। सब लोग याद हो गया कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो ऑक्सीजन पर जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाता है। आखिर जो ओजोन परत है इसका लाभ क्या है बाबू? तो ओजोन परत का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उससे हमको रक्षा करता है। ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उससे हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। कौन? ओजोन परत। तो जो ओजोन परत होता है वह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है, पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। अगर जरा सोचो, लेकिन अब आपको ओजोन परत का क्षय भी बता देते हैं। तो ओजोन परत का क्षय आखिर क्यों हो रहा है, ओजोन परत का क्षय? देखो, लगातार वायुमंडल में CFC का नाम सुने होंगे, CO2 का नाम सुने होंगे, NO2 का नाम सुने होंगे, N2O का नाम सुने होंगे, SO2 का नाम सुने होंगे। ये सब वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में मिल रहे हैं। इसका नाम होगा बाबू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का मतलब होता है फ्रिज से ये निकलता है, फ्रिज से जो गैस निकलता है हानिकारक रूप में यही होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। NO2 है, इसका नाम होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या कर रहा, कार्बन फ्लोरो कार्बन फ्लोरो कार्बन, इसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसका नाम होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो होते हैं वायुमंडल में जाते हैं और वायुमंडल में जा करके वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। वायुमंडल में जब मिलते हैं तो ओजोन परत को क्षय करते हैं, इसी से ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं। इससे ओजोन परत बनाया गया है तो ओजोन परत में कहीं कहीं छिद्र पाए जाते हैं, कहीं कहीं क्या पाए जाते हैं, छिद्र। इस छिद्र को हम लोग कहते हैं ओजोन छिद्र, इस छिद्र को हम लोग कहते हैं ओजोन छिद्र। जो ओजोन परत में छिद्र पाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं ओजोन छिद्र। आसमान के ऊपर आता है, ऊपर आता है लेकिन सूर्य के नीचे रहता है। अब देखो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है, अगर ओजोन में जैसे छिद्र हो रहा है, अगर लगातार होता रहा तो ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर तुरंत पहुंच जाएंगी, और जब पहुंचेंगी तो का आपका नुकसान होगा। यानी अगर पराबैंगनी किरण पहुंची तो मैं थोड़ा सा बता दूं, पराबैंगनी किरणों से हानि, पराबैंगनी किरणों से हानि, का हानि होता है,
पहला तो आपका त्वचा का कैंसर हो जाएगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा और चर्म रोग हो जाएगा, और चर्म रोग खजुआट वगैरह जो होता होगा। दूसरा आँखों की रोशनी चली जाएगी, आँखों की रोशनी चली जाएगी। अगर पराबैंगनी किरण आँख पे पड़ा तो आँखों की रोशनी चली जाएगी, यह भी एक प्रकार का समझिए कि हानि है कि आँखों की रोशनी चली जाएगी। कब? जब सूर्य की पराबैंगनी किरण किस पर पड़ेगी? आँखों को पड़ेगी तब। तीसरा ये बात होता है आपके कि वर्षा में गड़बड़ी हो जाएगा, जो वर्षा बरसता है वो टाइम से बरसेगा नहीं बरसेगा उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चौथा जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा, जलवायु में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा। अब इस परिवर्तन से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ओजोन परत का क्षय होने से बचाना बहुत अनिवार्य है। तो क्या करेंगे, जो ओजोन परत है उसको बचाने के लिए क्या क्या करेंगे? तो देखिए मैं बता दूं, यहाँ पर ओजोन परत को बचाने का उपाय, ठीक है। अच्छा एक जरूर याद रखना, कहीं लिख देते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस अगर आपसे कोई पूछे तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कोई पूछे तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओजोन परत के बचाने के उपाय कैसे कैसे बचा सकते हैं? पहला है कि सीएफसी का माने सीएफसी रोकने के लिए हमें फ्रिज का कम प्रयोग करना चाहिए, हमें फ्रिज का कम प्रयोग करना चाहिए, कम प्रयोग करना चाहिए, हमें फ्रिज का कम प्रयोग करना चाहिए। और इसके लिए जानते हो 1995 में रोक भी लगा दिया गया था, समझ रहे हो। और देखो ओजोन परत में छिद्र, ओजोन परत में छिद्र होने से बचाने के लिए हमें वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए, हमें वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए। नहीं तो बात रहा बाबू पूरा ओजोन परत का, कोई आपसे पूछे कि क्या होता है सब तो आप इसके बारे में तुरंत बता सकते हैं, बता देंगे सब लोग। अब इसके बारे में तो लिख लीजिए, आप लोग लिखिए जल्दी से।